ब्रेक के बाद आप सभी का सावल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर बिमल छाजेड़ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि लाइफस्टाइल एंड हार्ट केयर स्पेशलिस्ट हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो तुरंत कॉल करें और अपनी प्रॉब्लम का समाधान जानें। डॉक्टर साहब, अगले कॉलर जुड़ चुके हैं एमपी से हमारे साथ। हेलो हेलो, राजेश जी, सुन पा रहे हैं आप? जी जी बताएं, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है, मैंने यानी एंजियोग्राफी कराई थी और उसमें एक आर्टरी में 50% ब्लॉकेज था जी। तो फिर मैंने एक स्टेंट डलवा लिया था जी। इसके बाद मुझे दवाइयाँ इको स्प्रेन गोल्ड लिखी थी जी, और एक यानी कि ब्लड प्रेशर कम की लिखी थी, लेकिन अब मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल है तो मैंने ब्लड प्रेशर की गोली बंद कर दी है। अब मेरा ब्लड प्रेशर 110-70 रहता है। अब डॉक्टर साहब, मेरा जो ट्राइग्लिसराइड है वो 200 है, तो उसके लिए मुझे क्या लेना चाहिए? देखिए, आपका केस में मैं पहला तो एक बात बताना चाहता हूँ कि 50% ब्लॉकेज में एंजियोप्लास्टी स्टेंट का कोई जरूरत नहीं था, वो अननेसेसरी हो गई है, क्योंकि जब तक वो ब्लॉकेज 70-80 नहीं जाती है जब तक तो इसका स्टेंट का जरूरत नहीं है। पर यूजुअली होता है कि हॉस्पिटल में जाने के बाद ये ब्लॉकेज कई केसेस में वो देखते हैं पेशेंट डरा हुआ है तो यहीं का यहीं ऑपरेशन कर डालो। अब पर ऑपरेशन के बाद का केयर वो लोग नहीं लेते हैं, जैसे इनका ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा है, ये गलत बात है। अगर आप कोलेस्ट्रॉल की दवाई दे रहे हैं, इकोस्प्रिन गोल्ड में कोलेस्ट्रॉल की 20 मिलीग्राम दवाई दी हुई है, तो इसके संग एक ट्राइग्लिसराइड की दवाई भी उसमें ऐड होनी चाहिए। उसके लिए फिनोलिप करके दवाई होता है, वो ऐड करवा ले या स्टैनलिप ऐड करवा ले, और आप नहीं तो हमारे सेंटर में फ़ोन करके उसका स्पेलिंग वगैरह भी चेक कर सकते हैं, और उसको आप ज़रूर इस्तेमाल करिए, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड हाई रहेगा तो स्टेंट बहुत जल्दी बंद हो जाएगी। आपका ब्लड प्रेशर की दवाई की अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 110 आ गया तो अब बीपी का तो मतलब नहीं बनता है। ब्लड पतला करने का दवाई ज़रूर रखें, पर अब अपना लाइफस्टाइल को पूरा बदलें, आप ज़ीरो ऑयल में आ जाएं और एक्सरसाइज करें और उसके संग वॉकिंग करें और ये सब फॉलो करिए, तो आप आगे ठीक रहेंगे, यही भरोसा है हमें। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर दिल्ली से हमारे साथ। हेलो हेलो, बताएं सुमन जी, क्या जानना चाहती हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम आपका ये अभी शो देख रहे हैं, डॉक्टर साहब ने बोला कि ब्लड प्रेशर 120 और 80 रहना चाहिए जी। लेकिन मेरी पति की उम्र 60 साल है जी। उनका बीपी 150 और 90 के करीब रहता है, वो बोलते हैं कि ये मेरा बीपी ठीक है जी। नहीं नहीं नहीं, ये प्रोसेस अब बदल गई है, आपको मैं बता दूं, ये 15-20 साल पहले की इन्फॉर्मेशन है, एज के संग इतना ऐड कर लो, वो सब अब खत्म हो गई है। इंटरनेशनल जो संस्था है हमारी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग के ऊपर, उन्होंने अल्टीमेटली फाइनल कर दिया है 120 और 80 ही लिमिट है, चाहे कोई भी उम्र हो, हर उम्र में 120-80 ही होना चाहिए, और 110 तक हो तो भी बहुत अच्छा माना जाता है, पर 120 के ऊपर कभी ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं माना जाता है, अगर 150 है। हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं बहुत दिन से 150 है, पर याद रखिए इससे हार्ट डैमेज होता रहता है, ब्लड ब्लॉकेज बनने के चांसेस बढ़ते हैं, तो इसके लिए आपको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना होगा, 120 ही लाने का कोशिश करिए। उसके लिए दवाइयाँ जो भी चेंज करानी है, लोकल कार्डियोलॉजिस्ट को डिमांड करिए कि सब मुझे 120 ला के दो, नीचे वाली कम हो जाए फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाली मुझे 120 ही चाहिए जी। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर, उनका सवाल भी जानते हैं। हेलो हेलो, बलवीर जी बताएं, क्या सवाल है आपका? मेरा जी सवाल, एक तो मेरा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा था जी और ट्राइग्लिसराइड भी ज्यादा था जी, तो बीपी कंट्रोल में था जी। लेकिन दवाई देने के बाद ये दोनों चीज तो ठीक नॉर्मल हो गई है, लेकिन जब मैं चलता हूँ ना तो थोड़ा हार्ट के ऊपर ना छाती के ऊपर प्रेशर पड़ता है जी। देखिए, ऐसे केसेस में आपको बता दूं, आपकी कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड ज्यादा थी और मालूम नहीं कितने साल से ज्यादा रही है, तो ब्लॉकेज हुई है, यही लग रहा है आप जो बोल रहे हो, चलने से छाती में दर्द होती है, तो ये एंजाइना ही है। आपके लिए इंसिस्ट मैं ये करूँगा कि आप एक हमारा कैंप अटेंड करें और एक लिपिड प्रोफाइल जरूर चेक करवा लें, और उसके साथ अगर आपका कंट्रोल हो गया तो आप एक बार समझ लीजिए आप सेफ हैं। आगे आपको और करवाना होगा सीटी कोरोनरी स्कैन, ये स्कैन से आपको पता चल जाएगा आपके अंदर कौन सी ट्यूब में कितनी ब्लॉकेज है, और फिर आपको उस हिसाब से इलाज कराना होगा। आप हमारे यहाँ आके सीटी स्कैन करवा के आगे फाइनल करें, फिर आगे क्या ट्रीटमेंट होगा, या बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज आती है तो हम नेचुरल बाईपास, बायोकेमिकल क्लीनिंग, वो भी करवा सकते हैं
जी बिल्कुल दर्शकों, एक बार फिर आपको बताना चाहती हूँ कि हार्ट रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए आप फ्री डीवीडीज मंगवा सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके, और साथ ही साउल सेंटर्स के लिए भी आप कॉल कर सकते हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि कैंप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, अलग अलग शहरों में डॉक्टर साहब के लगातार कैंप्स भी लगते रहते हैं। अगले कॉलर हैं डॉक्टर साहब, उनका सवाल भी जानते हैं। हेलो हेलो हेलो, बताएं संजीव जी क्या जानना चाहते हैं। मेरे जो जी बताएं। हेलो, हाँ बोलिए, सवाल बोलिए अपना संजीव जी। हेलो, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए संजीव जी। डॉक्टर साहब से गलत समझ जाता है। जी जी, टीवी का वॉल्यूम बंद करिए, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपकी बात। हाँ जी डॉक्टर, काम करते हैं तो मेरी उम्र 30 साल हुई जी। हाँ जी 30 साल उम्र है मेरी। हाँ हाँ, परेशानी बताएं अभी क्या परेशानी हो रही है आपको। जी बातचीत डॉक्टर साहब नहीं हो पा रही है इनसे। चलिए अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपसे जानना चाहूंगी आखिर में कि अगर पेशेंट को किसी भी डॉक्टर ने हॉस्पिटल में एडमिट कर ही दिया है और वो अब उस कंडीशन में लेकिन सर्जरी नहीं कराना चाहता है, कैसे हॉस्पिटल से बाहर निकले, कैसे सिचुएशन को बहुत बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए हॉस्पिटल में एडमिटेड है, एडमिशन करते हैं तब वो एंजियोग्राफी हो गया, और एंजियोग्राफी करने के बाद पेशेंट चाहता है घर जाऊं, डॉक्टर चाहते हैं नहीं ऑपरेशन करा ही किए जाएं। अब वो प्रेशर डालते रहते हैं कि देखिए आपकी कंडीशन बहुत ख़राब है, डराते हैं कि कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है, आप एटम बम के ऊपर चल रहे हैं, आप देखिए कुछ भी बहुत ही क्रिटिकल है, इस तरह का ऐसा बात कर देते हैं कि पेशेंट और घबरा जाए, और पेशेंट के रिलेटिव्स को भी बोल देते हैं देखो घर जाना तो बहुत रिस्की है। अब इस सिचुएशन में अगर पेशेंट को निकलना है तो उनको डॉक्टर को अगर वो ज़्यादा जिद करता है तो और डराते हैं, गुस्सा भी हो जाते हैं, तो ये भी नहीं कर सकते। तो बेस्ट तो उपाय ये है, अगर आप नहीं कराना चाहते हैं उसके बाद भी, देखिए ब्लॉकेज खाली पता चला है, आपको ऑपरेशन कराना कोई कंपलसरी नहीं है, आपका भी मन बन सकता है कि मैं नहीं कराऊं, तो आपको पहला काम ये करना है कि डॉक्टर साहब मैं कराऊंगा पर एक बार घर जाके आऊंगा तब कराऊंगा, दिस इज़ द फर्स्ट एंड द बेस्ट ऑप्शन कि भाई आप एक बार मेरे को डिस्चार्ज कर दो, मैं आके करा लूँगा, आप हमको डेट दे दो, तो ये तो सबसे सरल उपाय है। पर डॉक्टर बोलते नहीं आप घर भी नहीं पहुँचेंगे, तब उनको फिर और थोड़ा सा जाना होगा कि देखिए मैं करने तो तैयार हूँ पर मेरा एक ओपिनियन और सेकेंड ओपिनियन लेना चाहता हूँ। इससे भी डॉक्टर अगर गुस्सा हो जाए तो नेक्स्ट एक और अच्छा सबसे बढ़िया उपाय है कि सर अभी पैसे की बंदोबस्त हो नहीं पा रही है तो आप 15 दिन में मैं कर लाऊंगा, तब तो डॉक्टर फिर बोलते ठीक है चलो 15 दिन बाद आ जाएगा। और अगर एकदम ही नहीं करना है तो उनको बता दीजिए कि सर मैं गरीब आदमी हूँ, देखिए ये ऑपरेशन के इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है, तो यूजुअली डॉक्टर्स बोलते चलो फिर कोई बात नहीं है जाने दो इसको, इसके बाद पैसे नहीं है। तो ये मैंने देखा है पैसे से बहुत ज़बरदस्त रिलेशनशिप होता है, एडमिशन हो ट्रीटमेंट हो कि नहीं हो। कभी कभी डॉक्टर बोलते हैं भाई नहीं आप पैसे का तो हो जाएगा, आप हाँ बोल दो ऑपरेशन का, और फिर परिवार वालों को प्रेशर डालते हैं वो एडमिटेड है पैसे दो, तो ये एक पूरा कॉमर्शियल प्रोसेस बन गई है। आप देखेंगे आप एक काम करिए एक बार कोई ओपीडी में, कोई हॉस्पिटल के जो ओपीडी है यहाँ जहाँ पे ओटी है उसके बाहर जाके बैठिए, बहुत सारे पेशेंट बैठे होंगे उनके संग आप डॉक्टर्स का बिहेवियर देखिएगा, इस तरह के बिहेवियर। मैं कोई पर्टिकुलर डॉक्टर को एक्यूज़ नहीं कर रहा हूँ पर पूरी मेडिकल साइंस में आज ये कार्डियोलॉजी में बहुत ज़बरदस्त ये कॉमर्शियल प्रोसेस चालू हो गई है, ये प्रोसेस ठीक नहीं है। मेरे को लगता है कि लाइफस्टाइल के ऊपर जोर देना बहुत ज़रूरी है, खान पीन रहन सहन ब्लॉकेज का कारण को हटाना जरूरी है, वो हट नहीं रहा है और ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन होते जा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, चलिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो आने के लिए और पूरी जानकारी के लिए, थैंक यू सो मच। दर्शकों एक बार फिर आपको बताना चाहती हूँ, जैसा कि डॉक्टर छाजीर ने हमें बताया है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी हार्ट प्रॉब्लम बिना किसी सर्जरी के सही हो तो अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करिए, रेगुलर आप एक्सरसाइज करिए, अपनी डाइट को मेंटेन करिए, रेगुलर चेकअप्स कराइए और साउल के माध्यम से अपनी हार्ट प्रॉब्लम को दूर करिए। आज के लिए कार्यक्रम में बस इतना ही, कल फिर करेंगे आपसे मुलाकात। नमस्कार।